हेलो गाइज़ हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो मॉर्निंग का टाइम है और स्नान वग़ैरह यहाँ पर हो चुका है और कर लिए थे बिस्तर घड़ी क्योंकि बस यही काम रह गया था मेरा बाकी सब हो चुका है कपड़े वगैरह धोए मैंने सुबह में तो कंबलों को घड़ी कर लिया है अच्छी तरह से तो ठंडिया आ गई है तो सारे कम्बल निकलना तो बनता है तो पहले तो मैं और पूर्वी एक ही ब्लैंकेट में सो जाते थे लेकिन अभी अलग अलग लगते हैं बाबा ठंडी लगती है रात को तो आज मुझे करनी है ये बेड शीट चेंज तो पीलो कवर्स मैंने कल ही चढ़ाए थे तो मैंने पीलो कवर्स अभी नहीं चढ़ाए हैं तो एक साथ में एक्चुअली सारा काम निकालो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान भी हो जाती है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सफ़ाई मैं करती ही रहती हूँ कहीं ना कहीं की तो बस ये बेड मुझे आज चेंज करनी है इसको अभी फ़ोर डेज़ हो गए हैं बिछा के तो आज मुझे बिछानी है ये वाली बेडशीट मेरी मनपसंद की तो बस यहाँ पे बेड को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था लगे हाथ और इस बेडशीट को अभी बिछाएंगे चलिए और उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में तो मैं सोफ़े का ये वाला कवर का कलर देख देख के ना बोर हो गई थी वैसे ये धुले हुए ही हैं तो मैंने सोचा आज इनके ऊपर दूसरे कवर लगा देती हूँ तो सोफ़े के नीचे भी बहुत सारे पॉलीथीन बैग वगैरह अब जैसे बच्चे रख देते हैं आते जाते लगे हाथ तो वो सब हटाए पहले और आज मैंने ये वाले कवर चढ़ाए हैं तो मैंने उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिए हैं और जब मुझे वॉश करना होगा तो दोनों को एक साथ निकाल के मैं वॉश कर दूँगी तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली एडजस्टमेंट में समझ में नहीं आता है कि सिर्फ मुँह रखें मतलब आगे पीछे आगे पीछे हो जाता है वो तो मैं सब तरफ़ से घुमा घुमा के उनको देख रही हूँ और लगा रही हूँ यहाँ पर चेक कर करके देखो तो आधे ना छोटे वाले हैं और आधे बड़े वाले हैं मतलब जो सीट के पीछे रहते हैं ना सॉरी जो सीट के नीचे रहते हैं ना वो बड़े वाले रहते हैं और जो बैक के पीछे रहते हैं वो छोटे वाले रहते हैं तो सब एक ही कलर के हैं एक ही डिज़ाइन के हैं तो समझना थोड़ा मतलब तो जो लगाता है उसको ही समझ में आता है तो ये सब लगा दिए थे और उसके बाद में ये चेयर्स के भी चेंज कर दिए थे तो ये टोटल दस हैं छः सोफ़े में हैं और फोर हैं चेयर्स के तो ये सब लगा दिए थे और आज थोड़ा सा मेक ओवर कर रही हूँ घर का तो थोड़ा टेबल कुर्सी इधर उधर मैंने किया और मेट से अच्छी तरह से क्लीनिंग करा ली थी मैंने क्योंकि वो अभी आने वाली हैं तो उसके पीछे मेड आने के पहले मैं पूरी डस्टिंग वगैरह कल करके ले लेती हूँ तो एकदम से फटाफट बोलते बोलते ना जवान फिसल जाती है मतलब क्या क्या मैं बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता है आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता होगा तो अगर मैं सही बोलती हूँ तो बताना मुझे कमेंट्स करके तो यहाँ पर ये टेबल पे पूर्वी ये स्टडी टेबल था पूर्वी का तो इसको आज घुमा के इस तरफ ले लिया है और चेयर्स वगैरह लगा दिए हैं और जो टेबल था दिवाली में हमने सेट बनाया था जो लक्ष्मी माता के लिए उसको मैं अपनी जगह पर यहाँ पर पर्दे के नीचे आज लगा दूँगी क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है ये वाला टेबल ना बहुत बड़ा और बहुत हैवी है तो इसको मैं एक कॉर्नर में यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ तो यहाँ पर की सेटिंग हो चुकी है मेरी उसके बाद में ये लाइटिंग आज मुझे उतारनी थी तो लाइटिंग उतार दी है मैंने बाकी डोर पे जो लाइटिंग लगी है और, और कंडी लगा है वो मैं बाद में निकालूंगी डियर हस्बैंड बोल रहे हैं मतलब न्यू ईयर तक रहने दो तो ये जो घर वाली थी ये मैंने निकाल दी है फ़िलहाल क्योंकि थोड़ी थोड़ी वो ना नीचे लटक रही थी तो वो अच्छी नहीं दिख रही थी तो इसको निकाल के मैंने रख दिया है अपनी जगह पर तो जब यह त्यौहार आएगा तभी निकाल के लगा दूँगी तो यहाँ पर उसके बाद में मैं मार्केट गई थी मार्केट में वीडियो नहीं बनाया तो ये सब सामान मैं लेके आई हूँ मार्केट से तो ये सब चलिए लगा देती हूँ अपनी अपनी जगहों पर काम अगर निकालो ना तो बहुत होते हैं घर में मतलब पूरा दिन भी कम पड़ जाता है तो ये सब सामान और पॉलिथिन बैग में लेके आई थी तो उसको भी रख देती हूँ फोल्ड करके दोबारा काम आएगी तो ये ड्रॉर में मैं सब बैग रखती हूँ उसके साथ में सब्जियाँ वगैरह भी लेके आ गई थी मैं ये मेरी पहले वाली प्लेट है जिसमें मैंने धनिया साफ़ करके रखा था और धनिया मैं लेके आई हूँ बहुत सारा क्योंकि ठंडियों के सीज़न में ना बहुत मस्त हरी हरी सब्जियाँ आ रही है मटर आ रहे हैं तो यहाँ पर मटर तोड़ लिए थे मैंने धनिया साफ़ कर लिया था आलू वगैरह सब मैंने काट लिए मतलब एक ही आलू काटा था क्योंकि मुझे मटर पुलाव बनाना है आज तो सिंपल सा बनाया था यहाँ पर मटर मेरे छिल चुके हैं सारे और उसके बाद मैं धनिया अभी मैं साफ़ कर रही हूँ तो मतलब ठंडियों के सीज़न में ना बहुत अच्छा लगता है मटर पुलाव खाने इतने ही मीठे मीठे मटर आते हैं ना मतलब टेस्ट का जवाब ही नहीं मैं तो साफ़ करते करते ही खा जाती हूँ आधे तो बस यहाँ पर धनिया और तोड़ लूँगी मैं तो सब्ज़ी वगैरह साफ़ किया मैंने बहुत सारा कचरा कर दिया घर में उसके बाद आ गई हमारी आंटी तो आंटी ने सभी चीज़ों को हटा हटा के मैंने आज आंटी को बोला अच्छी तरह से क्लीनिंग करो तो आंटी टीवी देखते देखते काम कर रही है क्योंकि मैं टीवी देखते देखते सब्जियां साफ़ कर रही थी तो यहाँ पर आलू और मटर मेरे साफ़ हो चुके हैं इनको वॉश कर लिया है और ये मिर्ची मैंने कट करके रख ली है आज नहीं बनाई थी फिर कभी बनाऊँगी तो ऐसे चीरा लगा के मैंने रख लिया है जब मैं बनाऊँगी तब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी लगती है भर के ये मिर्ची और ये सब धनिया वगैरह मिर्ची विरची साफ़ कर ली थी तो मतलब जब लगे तो फटाफट लो और साफ़ करके बना लो साफ़ तो कर लिए मतलब वॉश करके आप यूज़ कर सकते हो तो आधा काम यहाँ पर ही ख़त्म हो गया और उसके बाद में फटाफट से कुकर रखा जीरा डाला और प्याज टमाटर वग़ैरह तो सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ क्योंकि पूर्वी और डियर हस्बैंड भी आ चुके हैं अभी तो यहाँ पर उन लोगों को भी भूख लगी है। और मुझे भी भूख लगी है तो आज छुट्टी है वैसे तो उन लोगों का क्लास था तो क्लास करके वो लोग आ चुके हैं और टमाटर कट कर लिया है मैंने यहाँ पर तो पुलाव में डालूँगी अच्छा लगता है पुलाव में सभी कुछ चीज़ें डालो मसाले वगैरह तो यहाँ पर ये राइस बासमती राइस को मैंने वॉश कर लिया था आलू मटर वॉश कर लिए थे और मसाले मेरे भून चुके हैं टमाटर डाल दिया है, यहाँ पर टमाटर को भी भून के और मस्त पुलाव बनाया था मैंने नहीं मसाले तो मैं अभी डाल रही हूँ मसाले भुने नहीं थे प्याज भुन गया था मेरा तो प्याज काफ़ी अच्छा लगता है राइस में तो एक्चुअली इतनी घाई गड़बड़ी हो रही थी ना मुझे क्लीनिंग करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो यहाँ पर मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं मैंने अभी बस राइस डाल दूँगी और थोड़ा सा मैंने पहले मटर और आलू को भुना है मसालों में नमक डाल दिया है यहाँ पर और धनिया कट करके डाल दिया है तो ठंडियों के सीज़न में मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला पुलाव मेरी मम्मी बनाती थी तो मैंने उन्हीं से सीखा है और इसके साथ में मैंने चटनी पीस ली थी तो यहाँ पर राइस और मटर आलू वगैरह मसाले में सब भुन रहे हैं जितना आप भुनो अच्छी तरह से उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा उसके बाद में डाल दिया था पानी यहाँ पर जो जितना लगे उतना और उसके बाद में कुकर को अभी ढक देंगे चलिए तो कर लेते हैं क्लीनिंग बाकी की और उसके बाद में ये धनिया टमाटर और हरी मिर्ची लहसुन डाल के मैंने चटनी पीसी थी और कुकर को ठंडा करने यहाँ पर रखा है मैंने तो कुकर ठंडा हो चुका है चलिए खोलते हैं और देखिए एकदम खिला खिला पुलाव हमारा रेडी है गर्मा गर्म आ जाइए खाने के लिए तो सबसे पहले मैं दूंगी मेरी बेटी को तो राइस है पापड़ है और चटनी है और उसको भूख लगी है खाने के लिए वो एकदम रेडी है उसके बाद में हम लोग रेडी हो गए हमने खाना नहीं खाया क्योंकि हमको जाना है एक शादी में कहाँ जाना है चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को तो यहाँ पर इस वक्त हम लोग शादी में पहुँच चुके हैं और ये शादी है संदीप की सिस्टर की जो हमारा कराटे स्टूडेंट है जिसने अभी गुलाबी पगड़ी बांधी है मेरे बाजू में खड़ा है संदीप और संस्कार हमारा वीडियो बना रहा है तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और हमने शादी हम लोग शादी में से तो आ चुके हैं और अभी इस वक्त मैं हूँ पाँचवें माले पे चढ़ के और अभी हमें चढ़ना है सात माला क्योंकि डियर हस्बैंड का कोई तो किसी की तबीयत खराब है हम वहाँ देखने आए हैं और यहाँ पर लिफ्ट बंद है पता है हमारी बिल्डिंग में भी लिफ्ट है चढ़ने का आदत नहीं है तो देखो अभी आने वाला है छठवा माला हटो ना मैं जल्दी जल्दी चढ़ जाऊंगी तो गाइज हम दोनों बातें करते करते एक दूसरे को पकाते पकाते सीढ़ियां चढ़ गए हैं फिलहाल आ गया है छठवां माला तो चलिए फाइनली आने वाला है सातवां माला और डियर हस्बैंड इतने चौड़े हैं सीढ़ी पे आगे जाने की जगह नहीं है बड़े मैं पहले चढ़ गया फाइनली हम आ चुके हैं सातवें माले पे और उनके घर पे जिनको हम देखने आए हैं चलिए चलते हैं अंदर हेलो गाइस गुड इवनिंग तो मैं आ चुकी हूँ शादी में से काफ़ी टाइम की मैं आ चुकी हूँ हमने थोड़ी सी नींद भी कर ली आके फिर थोड़ा नाश्ता भी कर लिया और शाम का टाइम है दिसंबर का मंथ है ठंडी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा शाम से ही ठंडी लग रही है और आज ना मेरा घर एकदम सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है देखिए जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक हाँ तब तक ये पूरी सेटिंग है जब तक बच्चे नहीं हैं सब कुछ ओके है और बेडरूम भी एकदम ओके है और एक्चुअली डियर हस्बैंड और पूर्वी गए हैं कराटे क्लास में तो सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है सेट लग रहा है तो अभी हो गया डिनर बनाने का टाइम एक्चुअली जहाँ पर हम गए थे ना मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी की तबीयत ख़राब है और हम उसका वीडियो बनाएं तो मैंने नहीं बनाया मुझे ठीक नहीं लगा तो हम हस्बैंड के फ्रेंड को देखने गए थे और वहाँ से आ चुके हैं शाम हो गई है डिनर बनाने जा रही हूँ और आज मैं एकदम डिफरेंट डिश बना रही हूँ डिनर में तो क्या डिश मैं बना रही हूँ और ठंडी का टाइम है तो क्या खाना चाहिए वो मुझे उस हिसाब से मैं बना रही हूँ मतलब तो मैं बना रही हूँ भाप के अंडे तो शायद ही आप लोगों ने सुने हो या नहीं भी सुने हो तो आज देख लीजिए बहुत अच्छी लगती है यह डिश रोटी से खाइए किसी भी चीज़ से ब्रेड वगैरह से आप खा सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाप के अंडे बनाना यहाँ पर है ना दोपहर वाला थोड़ा सा पुलाव बचा है तो ठंडी के टाइम पे मैं रात में राइस नहीं बनाऊंगी हम यही खाएंगे हमने शादी से आके और थोड़ा सा खाया था दिए गरम होने के लिए और इसके साथ में मैं बनाऊंगी रोटी तो वह आपके अंडे के साथ में मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियाँ और दो चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है चम्मच का साइज़ आप देख लीजिए कितना है तो ये दो भर के मैंने डाला है और साथ में डाल दिया है जीरा उसके बाद में खूब सारा प्याज इसमें प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है तो सारी चीज़ें मेरी कटिंग हो के यहाँ पर रेडी है तो प्याज रेड होने के बाद में यहाँ पर टमाटर और धनिया डाल दिया था टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो बट मेरी पूर्वी टमाटर निकालती है इसलिए मैंने कम डाला है तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भूनने के लिए रखेंगे तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है यहाँ पर नमक यहाँ पर आप कमी डालो ऊपर से थोड़ा अभी और डालना है तो मॉइस्चर के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है एक ढक्कन के लगभग और यहाँ पर मैंने अंडे मतलब काफ़ी सावधानी से आपको तोड़ के डालने हैं तो यहाँ पे टोटल पांच अंडे मैंने लिए हैं और ऊपर से हरी मिर्च को ऐसे रख दिया है मैंने अच्छी लगती है मतलब मुझे ये वाली मिर्ची और साथ में नाला मैंने मैगी मसाला और ऊपर से थोड़ा सा और नमक थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और खूब सारा धनिया यहाँ पर फिर से डाल दिया है और इसको बस भाप के लिए रख देंगे अच्छी तरह से तो वो वाला गैस ना थोड़ा सा फास्ट था तो ये स्लो गैस है जो मेरा अभी मैं रख रही हूँ तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बराबर हो रहा है कि नहीं शूट क्योंकि बीच बीच में कॉल आ जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है तो अंडे हमारे रेडी है भाप के अंडे हमारे रेडी हैं और भाप देखो भाप इसी को कहते हैं भाप के अंडे या कोई कोई वाफ के अंडे भी कहता है तो इसको सर्व किस तरह से करना है ना ये देखो कलर और मतलब इतना मस्त लग रहा है ना देखने में साइड में ऐसे ऑयल ऊपर आ गया है ऑयल मैंने कम डाला था फिर भी मतलब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो ऑयल ऊपर आ गया है तो इसको आ, सर्व कैसे करना है इस तरह से कट करना है और यहाँ पर से एक एक देखिए पिज़्ज़ा टाइप ऐसा लग रहा है पिज़ा है तो एक एक कॉर्नर उठा के आप ले सकते हो सबको दे सकते हो देखो और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए फ़िलहाल इसको रख देती हूँ तो चलिए लगा देते हैं ढक्कन और आप भी ट्राई करना तो ठीक है इसको हम खाएंगे रोटियों से यहाँ पर मेरा आटा गुन चुका है तो गाइस खाना मेरा रेडी हो चुका है मैंने अंडों को ढक के रख दिया है बस अभी यहाँ पर साढ़े आठ होके गए हैं तो डियर हस्बैंड और पूर्वी कभी भी आते होंगे तो उनके आने के बाद खाएंगे तो इस वीडियो को आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें बाय बाय गुड नाइट